YouTube चैनल स्माइल विद पल्लवी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो रही है, ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ब्लेमिशेस एंड पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो घर पे, क्योंकि अभी चल रहा है लॉकडाउन। तो गाइस लॉकडाउन के टाइम पे आप पार्लर तो जा ही नहीं सकते हो, ना आप प्रॉपर क्लास जैसे किसी सर्विस को घर पे खुला सकते हो, तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है किस तरीके से चीज को हैंडल किया जाए। क्योंकि गाइस क्या होता है ना कि हमारे फेस पे कोई चीज, कोई स्पॉट या पिगमेंटेशन या फिर ब्लेमिशेज आते हैं तो हमारे फेस, हमें बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। बिकॉज हम सबको बहुत ही खूबसूरत रहना बहुत ही अच्छा लगता है, हम सब चाहते हैं हमारा फेस बहुत ही ड्यूई हो, अच्छा हो और फेयर हो कलर स्पेशली। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा फेस पैक शेयर करने वाली हूँ, ऐसा एक स्किन केयर शेयर करने वाली हूँ गाइस जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और जो है गाइस आपको इजीली बिना किसी नो आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं इकट्ठे करने पड़ेंगे, आपको ओनली वन फेस पैक में आपको जो है ब्लेमिशेस छुटकारा मिल जाएगा, आपको जो पिगमेंटेशन उससे छुटकारा मिल जाएगा टाइम के साथ साथ। मैं ये नहीं कहूँगी कि आज आपने अप्लाई किया और कल आपका फेस एकदम से वाओ जैसा लगने लगा, स्किन एकदम क्लीन हो गई, ऐसा नहीं होता है। हर चीजें टाइम के साथ साथ जो है चीजें होती है रिकवर, और साथ ही साथ आपके जो कलर का कॉम्प्लेक्शन है वो भी धीरे धीरे फेयर होता है इससे। तो गाइस मैं बात कर रही हूँ गुड वाइब्स के पपाया फेस मास्क की, और गाइस ये पपाया फेस मास्क गुड वाइब्स के जितने प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ट्रस्टवर्दी होते हैं और इसमें यूज किया हुआ है मुझे, हालांकि कोई पिगमेंटेशन नहीं है, कोई ब्लेमिशेस नहीं है, स्टिल मैंने इसको परचेज किया और यूज किया, मुझे बहुत ज्यादा इसके रिजल्ट देखने को अच्छे मिले। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है गुड वाइब्स का पपाया फेस मास्क, और गाइस ये फेस मास्क जो है आपके ब्लेमिशेस को बहुत ही अच्छे से दूर करेगा, और साथ ही साथ जो आपके फेस में पिगमेंटेशन प्रॉब्लम हो जाती है और लॉकडाउन में नहीं जा सकते हैं तो इसके लिए बहुत अच्छा है। तो अगर इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक लिड मिलेगी ये देखिए, और लिड को ओपन करेंगे तो जो है जैसे ये काफी दिन हो गए मुझे यूज किए हुए, तो ये हो गया था थोड़ा स्टक। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है गाइस, बहुत अच्छी है ये, और इसमें पपाया के एक्सट्रैक्ट बहुत ज्यादा है। तो ये जो आप सब जानते हो कि पपाया आपके फेस के लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल है, तो अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो मैं इसको आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है और उसके बाद जो है कैसे इसको वॉश आउट करना है। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा अगर आपने नहीं किया है। तो गाइज मैंने ले लिया है ये पपाया फेस मास्क, आप देख सकते हैं येलो कलर में है, और लगा लिया है हेयर बैंड अच्छे से, और जिससे मैं जब अप्लाई करूँ तो जो है मेरे हेयर नहीं ख़राब हो, जिसके बाद मैं ब्रश की हेल्प से इसको अप्लाई करूँगी। और गाइज आप चाहें तो हाथ से भी, फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई करने के बाद जो है आपको कैसे क्लीन करना है, कितनी देर तक ड्राई करना है, ये भी मैं आपको उसके साथ शेयर करूँगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको पूरे फेस पे एक थिन लेयर अप्लाई करनी है, बहुत मोटी, बहुत ही थिक लेयर अप्लाई नहीं करनी है। तो इस तरीके से आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर लेना है, और इसके बाद 10 मिनट रखना है, इसके बाद आपको वॉश कर लेना है। क्योंकि ये थिन लेयर है तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी ड्राई हो गई है, और पूरे आपको ड्राई करना है, मैं ये नहीं बोलूँगी 80% तक, पूरा आपको फुल ड्राई करना है फेस को जैसे मैंने किया हुआ है। और इसके बाद जो है वॉश कर लेना है पानी से, नॉर्मल वाटर से आपको वॉश करना है, जैसे कि मैंने देख रहा आपको मैंने वॉश कर लिया है। और वॉश करने के बाद जो है अच्छे से अपने हल्के हाथों से टैप टैप करके अपने फेस को क्लीन करना, और आप देख सकते हैं कितना फ्रेश लग रहा है मेरा फेस और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, क्योंकि जो फेस मास्क है बहुत ही अच्छा है। इसके बाद यहाँ पे मैं निविया का लोशन अप्लाई कर रही हूँ, ये है मिल्क लोशन, और इसको अप्लाई करने का रीज़न ये है गाइस क्योंकि इसको अप्लाई करने से आपके स्किन पे जो ड्राइनेस नहीं आएगी, डलनेस नहीं आएगी, और आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट एंड सफल रहेगी। तो गाइस जब भी आप कोई भी स्किन केयर कीजिए, कोई फेस मास्क अप्लाई कीजिए, कुछ भी अप्लाई कीजिए, तो आपको अपने फेस को मॉइस्चर करना उसके बाद बहुत ज़रूरी है एंड में, अदरवाइज आपको जल्दी से एजिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी स्किन बहुत ड्राई हो सकती है, डल हो सकती है। तो गाइस कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।